शुरू वाला। हाँ मैम, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। हर हर समय की तरह समय भी आप बेहतरीन कुछ कैरेक्टर कर रही होगी जो दर्शकों को पसंद आएगा। हाँ, जो रंग होंगे इस किरदार में वो हमें ज़रूर जूते खिलाएंगे। तो ज़रूर देखिए पलकों की छाँव में दंगल टीवी पर 7:30 प्रत्येक दिन सिवाय संडे के। ओके, लेकिन क्या होने वाला है, किसका जीना हराम होने वाला है? मैंने तो अपने घर में अलावा अपने ससुर के या कभी कभी उनको भी नहीं छोड़ती हूँ, सभी का जीना हराम कर रखा है। कोई भी हमारी इजाज़त के बगैर कोई कदम नहीं उठा सकता है। अगर किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जो हमें पसंद नहीं है, चूँकि हम घर की बड़ी बहू हैं और हम विधवा हैं, तो हंगामा क्रिएट कर देते, हम तो बर्बाद कर देते सबकी खुशी। ओके, लेकिन मैं कोशिश, मतलब विधवा है तो आप, ये थी कुछ अलग है आपके लिए? जी हाँ, बिकॉज देखिए, चूँकि ये बहुत सालों पहले विधवा हो गई थी, सारे रंग उड़ गए थे इनकी ज़िंदगी से विद द डिपार्चर ऑफ हर हस्बैंड। तो जो हमारे ससुर हैं राय बहादुर, जिनको ख़िताब मिला है राय बहादुर का, वो एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं अपनी बड़ी बहू के लिए, और उस सॉफ्ट कॉर्नर का हम इस्तेमाल भी करते हैं। हमने ये वैधव्य रूप धारण किया, हमने एक विधवा के सारे जो नियम होते हैं उनको बहुत ही रूढ़िवादी तरीके से हम उसको फॉलो करते हैं, और इसलिए ये चाहते हैं कि हमको सब लोग घर के बहुत माने, क्योंकि हम इतना कुछ कर रहे हैं, हम जताते हैं कि हम उनके उनके प्रतिष्ठा के लिए जो कर रहे हैं उसका एहसास हो सबको, और उस प्रतिष्ठा उस तरीके से ही किया जाए जैसे कि हम चाहते हैं। तो अगर कुछ इधर उधर हो जाता है तो बवाल मचता है घर पर। ओके, अगर हम बात करें शो में और लड़के हैं और एक किसके साथ शादी होने वाली है, ये तो देखने सुनने और समझने की बात है। लेकिन आप किसका जीना हराम करेंगे, बहू का या बेटों का? अभी तक वहाँ तक पहुँचे नहीं है। फिलहाल तो मैं अपनी देवरानी, हमारी छोटकी, और छोटकी को मतलब देवरानी को छोटकी बुलाती हूँ मैं, हमारा कैरेक्टर बुलाता है, हमारे होने वाली बहू सुमन, इनका तो जीना हराम कर दिया ऑलरेडी हमने, और बाकी देखें और किसको किसको, किसी को भी नहीं छोड़ते एक्चुअली। ऑफकोर्स, वाई नॉट, वी आर एक्टर्स, किरदार कहीं पे भी हो, अच्छा हो, मज़ा आए करने में, बात बन जाती है, हमें क्या लेना देना। ये रूरल और अर्बन का ऐसा कुछ ये सोचना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मत है। अरे बाबा, थैंक यू, ऐसा कुछ नहीं है। शर्मा टेलीफिल्म्स के साथ एंड इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, अच्छा लग रहा है, खुश हैं कि हरा सिंदूर जो अतरंगी के लिए कर रहे थे हम, उसके ख़त्म होने से ही पहले हमें ये किरदार मिल गया, ये शो मिल गया, और इसके लिए हम बहुत खुश शुक्र। ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन लेकिन आप बिग बॉस में नहीं दिख पाते, खतरों के खिलाड़ी में नहीं दिख पाते, ऐसा क्यों है? मतलब बिग बॉस में अगर हम देखिए, बिग बॉस में अगर हम जाएं तो हम झगड़ा करने तो जाते नहीं हैं, हमने झगड़े करने बंद कर दिए। अगर हम बिग बॉस में गए तो हम जाएंगे विन करने के लिए, पैसे लेने के लिए, ताकि हम अपना शेल्टर का ज़मीन खोल सकें, जानवरों के लिए कुछ बना सकें, उसी मेहनत में लगे हैं हम सिर्फ सालों से उसी मेहनत में लगे हैं। या जो
आपके लिए एनिमल्स का जो प्यार है, आपको मैंने देखा है कि आप बहुत प्यार कर, आपने बहुत कुछ काम किया है, क्या कहना चाहोगे? इतना मतलब कोई एक्टर काम नहीं करता है एनिमल्स के लिए। है, ऐसे बहुत सारे हैं, बस ये है कि कोई ग्राउंड पे जाके काम करता है, कोई पीछे से काम करता है, और हर एक हर कोई अपनी सीमा मर्यादा एनर्जी के हिसाब से काम कर लेता है, जो जितना कर रहा है, जितना दे रहा है सर माथे पर। तो मेरा एनजीओ है थैंक यू अर्थ। थैंक यू अर्थ मतलब आप जब काम करते हो आपको पेस आपके काम की शाबाशी देता है, धन्यवाद देता है आपको पे करके, है ना। तो इस धरती माँ ने मेरा वजन इतने साल उठाया है, 51 का लग चुकी हूँ मैं, तो 50 साल मेरा वज़न उठाने के लिए, ढोने के लिए कुछ तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए ना माँ धरती को। वही तरीका है मेरा, पे इट फॉरवर्ड। शुक्रिया कह रही हूँ मैं धरती माँ को उन सब कार्यों से जो मैं करती हूँ किसी और के लिए। अच्छा है कि मेरे अंदर ये समझ है, ताकत है। ताकत नहीं होती तो भी मेरे दोस्त लोग सामने खड़े हो जाते हैं कि आओ चलो करना है, कर चलो करवाते हैं तुमसे। तो बस ये जो ट्रस्ट है लोगों का मुझ मेरे ऊपर कि मैं कोई गोचियाँ नहीं करूँगी, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। धरती माँ के शुक्रगुजार हूँ, अपने आप के शुक्रगुजार हूँ, अपने भीतर अंतरात्मा के शुक्रगुजार हूँ कि ये समझ अवेयरनेस वगैरह सब मुझे दी है और वो ताकत दी है कि मैं आगे बढ़ के स्टेप ले सकूँ। नेशनल रिपोर्टर के सभी दर्शकों को मेरा ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और नमन। आप लोगों की वजह से हम हैं। अपना प्यार हम पर, हमारे शो पर, हमारे शोज़ पर बनाए रखें और हमें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। इसी तरह थैंक यू।